बस ना ये पहले क्लीन करवाते हैं सर, बहुत है अंदर ज्यादा, बहुत है गड्ढा जो है ना, बहुत क्लीन करवाना है। एक एक फीट के आसपास सर बात तो है, लंबाई कर लें। लेकिन वहाँ पे वो कैपेसिटी से ऊपर चल रहे हैं। हमने अभी, हमारे एमएलए साहब ने एक फंड देके एक गौशाला नई तैयार कर रहे हैं, उम्मीद है कि अगले 15 तारीख तक वो तैयार हो जाएगी। तो कैंट बोर्ड अपने खर्चे से जितने भी आवारा जानवर है उसको वहाँ भेजने की तैयारी कर रहा है। तो इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो हमारा जो सफाई कर्मचारी है वो बड़ी मुश्किल से सफाई करते हैं, पर उनके बाद भी वो गंदगी हो जाती है आवारा जानवरों से, और दूसरा किसी की जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए तो हम बहुत सीरियसली उसको ले रहे हैं। तो ये आवारा जानवर की हम खुद उससे बहुत, एमएलए साहब से मैं बहुत रेगुलरली बात कर रहा हूँ। सड़क में भी सबसे बड़ी समस्या होती है, बारिश का पानी आता है, बारिश के पानी से कचरा आता है और वहाँ पे गंदगी होती है, वहाँ से एक्सीडेंट, पानी सब, गंदा पानी भी आता है वहाँ पे। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट का इशू है, हमारे यहाँ सड़क बहुत पुरानी है, इसको ठीक करा दीजिए। हमारे यहाँ गंदा पानी आता है, इसको देखिए। जो जो ऐसी समस्या है हम ये जन संवाद में वैसी समस्या को डील करने के लिए बैठे। और ये जनरली क्या होता है कि अधिकारी आता है, जन संवाद होता है, फोटो चल जाता है, अखबार में आ जाता है और लोगों को भी लगता है ये, पर मैं वैसा फितरत का अधिकारी नहीं हूँ। स्ट्रीट लाइट का इशू आपने बनाया, गणेश चौराहे के पास रोड की समस्या बताई गई है, यूरिनल यहाँ बनाने की बात करी गई, पलसानिया रोड की समस्या जो कि हम सर्वे कराएंगे, मुकेरिया मोहल्ला के पास पानी की समस्या बारिश के बाद आ जाती है तो उसको मैं अभी जाके व्यक्तिगत तौर पे देखता हूँ, कालीमाई के ऊपर डस्टबिन का कुछ आपने बताया है उसका भी देखते हैं, कालीमाई रोड के पास पानी की समस्या जहाँ पे लीकेज आप कह रहे हो इसी रोड पे तो उसका देखते हैं, और बाबू मोहल्ला में पब्लिक टॉयलेट का समस्या है, महादेव मोहल्ला की टॉयलेट को दो दो करके रिड्यूस करना है, तेली मोहल्ला में सामुदायिक भवन की रिपेयर का एक बताया गया है, मछी मोहल्ला में गड्ढे की समस्या बताई गई है, नेताजी रोड को उसकी कुछ समस्या, उसको मैं सिर्फ रिपेयर करा सकता हूँ, उसको सीसी नहीं बन पाएगी, कुमार मोहल्ला की गली गणेश चौराहे पे भी 2+2 टॉयलेट की बात आपको बोला मैंने, सरस्वती स्कूल के सामने ब्लॉक टाइल, डेली मोहल्ला में का गली का इशू है, कार मोहल्ला में पानी जम जाता है उसमें रिपेयर जो भी होगा। तो ये मेरे को लगता है प्रमुख समस्या जो मैंने नोट करी है, आपने ये ही बताई है, आप इससे कुछ, और उसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ, आप लोग भी साथ दीजिए, ऐसा ना हो कि आप समस्या बता दें और आपको दो कदम चलने के लिए हम बोलें तो आप वो भी ना चल पाए, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ चलें, आपको भी समस्या जमीनी हकीकत पे पता लगेगी और तुरंत हम आपको जो बोलेंगे, मैं सारा स्टाफ साथ लेके चल रहा हूँ, वो स्टाफ जो बोलेगा कि सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्या, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। आप में से पटेल गार्डन को जाता है, पटेल गार्डन कैसा बन रहा है बाबूजी, हो रहा है ना, रामजी गार्डन, पटेल गार्डन, डीएवी स्कूल, पटेल गार्डन में कैसा लगा आपको अभी?
Pizza Point, Kangor. For delicious moments.